Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Stephen Gogoi, and today we'll discuss about pivot point, support and resistance, market trend or market range in Bank Nifty. So you can see this on Bank Nifty pivot point, maine 30 minute ka chart liya hua hai, a daily pivot point. So aaj pivot point 26969, first our resistance 27053. Second resistance 27142, the third resistance 27226, and the first support 26881, second support 26797, third support 26718. We take a daily Bank Nifty chart. तो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन दिया था, तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने दिया हुआ है. तो ये रेजिस्टेंस लाइन क्यों मैंने डाला था यहां पे, तो यहां पे देख सकते हैं मैंने एक पहले सपोर्टिंग एक रेंज मिला था यहां पे, और नेक्स्ट यहां पे एक सपोर्ट. तो यहां पे ये डेली है, मतलब कम से कम 4-5 दिन ट्राई किया था ये ब्रेकआउट करने के लिए, तो मैंने इसलिए इसको कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस लाइन डाला था. तो यहां पे एक सपोर्टिंग लाइन बना, तो ये देख सकते हैं मार्केट यहां तक गया हुआ है. तो यहां पे कंटीन्यूअसली मार्केट ये बुलिश में अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन अभी हमें देखना है ये रीजन से मार्केट नीचे आने का चांसेस है और या यहां से कंटीन्यूअस आप जाना है, तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसलिए हमें एक फिबोनाची का मैंने अप्लाई किया. तो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ज्यादा से ज्यादा 61% रिट्रेसमेंट लेवल होता है. तो आप देख सकते हैं तो 61 को भी क्रॉस कर दिया, तो नेक्स्ट ये सेकंड 78, तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट मुझे लगता है ये 78 जो रिट्रेसमेंट है यहां तक जाना है अकॉर्डिंग टू एक्स. अगर एक्स और ये ए जो वेव होता है, तो अकॉर्डिंग टू ये वेव में मुझे लगता है वो अराउंड 27500 के आसपास जाना है, 27500 के आसपास मार्केट जाना है. लेकिन यहां से क्या रिट्रेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें ये जो सपोर्टिंग लाइन, यहां पे जो सपोर्टिंग लाइन मिला है, तो मुझे लगता है यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना चाहिए जो मूविंग एवरेज, ये 100 मूविंग एवरेज. तो ये 100 मूविंग एवरेज का आसपास आके फिर से ये जाने का कोशिश करेंगे लगता है मुझे. तो ये हो गया डेली. अगर हम 4 आवर चार्ट में देखें, तो मैंने फिबोनाची को डिलीट कर दिया. 4 आवर चार्ट में देखिए आप, मुझे लगता है यहां पे तो थोड़ा बहुत आज रिट्रेसमेंट देना चाहिए अराउंड जो ये 200 मूविंग एवरेज है, तो अराउंड 26550 का आसपास एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए. अगर इसको हम डेली में देखें, यहां पे कोई क्लियरली हमें तो कुछ सपोर्टिंग रेंज तो मिला नहीं यहां पे, लेकिन एक मूविंग एवरेज जो है ये 100 मूविंग एवरेज. और अगर हम 4 आवर में देखें, तो 4 आवर में आप और एक बात देख सकते हैं, यहां से एक हायर हाई बना के इसको तोड़ा हुआ है, तो हायर हाई. तो मुझे लगता है यहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट देना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो कंटीन्यूअस ऊपर जाता नहीं रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना चाहिए. तो यहां से मुझे लगता है अराउंड 25500 तक आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ठीक है. अगर इसको हम 1 आवर में देखें, जैसे 1 आवर या 30 मिनट में, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट थोड़ा यहां पे ट्रिपल टॉप, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप पैटर्न एक फॉर्म किया हुआ है, राइट. फर्स्ट टॉप, सेकंड, थर्ड, ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है. तो यहां से हम एक बात देख सकते हैं, यहां पे अगर हम हायर हाई को कनेक्ट करें, तो हायर हाई को कनेक्ट करें तो थोड़ा ये प्राइस एक्शन, प्राइस थोड़ा ऊपर में गया हुआ है, लेकिन स्टॉकस्टिक या सीसीआई को देखिए, तो देख सकते हैं आप ये लोअर
लो बना रहा है, तो मुझे लगता है जो प्राइस का जो मोमेंटम होता है, जो ऊपर जाने का जो स्पीड, जो स्ट्रेंथ होता है, वो थोड़ा वीक होके जा रहा है। तो इसलिए लगता है मुझे ये ब्रेकआउट करके मार्केट अराउंड, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका ये 150 मूविंग एवरेज है, ये 150 मूविंग एवरेज है, 150 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मुझे लगता है 150 मूविंग एवरेज से मूविंग एवरेज तक आ सकता है, तो उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो अगर हम 15 मिनट में देखें, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं एक मार्केट रेंज में घूम रहा है, राइट। एक रेंज में ये हो गया हमारा रेंज, तो एक रेंज में मार्केट अभी चल रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ अराउंड जो डेली और फोर आवरली जो मूविंग एवरेज की सपोर्ट है 26,500, तो वहाँ तक आने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।